कुछ कैदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन अब इन कैदियों को वापस जेल लाने की तैयारियां की जा रही है। जेल प्रशासन अब इन कैदियों को सीधे जेल में लाकर पहले अस्थायी जेल में 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने बताया कि जेल में 2200 से ज्यादा कैदियों में से कोरोना के खतरे को देखते हुए 550 कैदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था। इनमें अंडर ट्रायल कैदी भी शामिल थे। जून के आखिरी तक कैदियों को वापस जेल में लाने की कार्रवाई की जाएगी, जो जुलाई के मध्य तक चलेगी। जेल प्रशासन के अनुसार इन कैदियों को सीधे सेंट्रल जेल में लाकर पहले अस्थायी जेल में 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। 14 दिन वहां रहने के बाद कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही इन्हें जेल लाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें हल्दी का दूध, विटामिन वाला खाना दिया जा रहा है। जेल में तले खाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।